कहानी सुनते और सुनाते आ रहे हैं। बहुत से वीर ऐसे थे जिनके त्याग और बलिदान की कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं है। इतिहास के पन्नों से बेखबर इन देशभक्तों को श्रद्धांजलि देते हुए लाल किले में एक संग्रहालय बनाया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने किया। बता दें कि लाल किले में बने संग्रहालयों की श्रृंखला में ये पांचवा संग्रहालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा लाल किले में बनाए गए संग्रहालय आजादी के दीवाने का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लाल किले में बने क्रांति मंदिर की कड़ी में एक और संग्रहालय आजादी के दीवाने का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि क्रांति मंदिर की श्रृंखला इसलिए बनाई गई है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि आजादी कितनी कुर्बानियां देकर मिली है और इनसे प्रेरणा ले सके। उन्होंने ASI को इस संग्रहालय के उद्घाटन समारोह पर ढेरों बधाई दी। ये संग्रहालय देश के उन वीरों के सम्मान में बनाया गया है जिन्होंने अपने त्याग और साहस से आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जिनका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। ये संग्रहालय उन क्रांतिकारियों, महिलाओं और बहादुर बच्चों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से बलिदान किया है। जीवंत देख पाएंगे उन युद्धों को। बता दें कि इस संग्रहालय को विशिष्ट प्रकार से बनाया गया है। इसमें मल्टी सेंसरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है जो दर्शकों को व्यस्त रखेगी। इस संग्रहालय को इस तरह से बनाया गया है जिसमें गैलरी के एक भाग से दूसरे तक जाते समय हर कोई आजादी के लिए युद्ध को जैसे जीवंत रूप में देख पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे। बता दें कि इससे पूर्व 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस